ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा द्वितीय के विषय संस्कृत में आज पाठ पढ़ेंगे, सातवां। सप्तम है पाठ है, सातवां पाठ। नाम क्या है पाठ का? अक्षरमाला गीतम। ठीक है भैया बहनों, क्या है ये? एक गीत है, अपना सातवां पाठ है। ठीक है भैया बहन, सुनना ध्यान से। राम है लिखती, राम है लिखती अ आ ई ई। कृष्ण है लिखती उ ऊ री री। बाला लिखती ए औ ऐ औ। ठीक है, अंग है लिखती गोपीनाथ है। इसको अपन जैसे वंदना बोलते हैं, गीत बोलते हैं, ये गीत ही है। तो उस अपने लय से आपको जैसा जिसका लय ठीक बैठे उस अनुसार उस हिसाब से अपन इसको बोल सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा अंतरा है का त्वम बाले कांचन माला कश्यः पुत्री कनकलतायः हस्ते किं ते तालिपत्रम का वा रेखा क ख ग ग। दो अंतरे हो गए इसके। तीसरा देखिए, कस्त्वं बाल मोहन कृष्ण है कश्यः पुत्र है हेमलतायः हस्ते किं तत् लेखन फलकम् किं तल्लिखितम् च छ ज ज। ये तीन अंतरे आज अपन इस सातवें पाठ का मतलब पहला में इसका एक भाग करेंगे। ठीक, और इसका दूसरा जो भाग है यानी इसका इस पाठ को अपन तीन चार भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। ये इसका दूसरा भाग अपन अगले वीडियो में लेंगे। तो आज का अपना गृह का ये भी यही है, क्या है ये? अपना गीत है। ठीक है, ये तीनों अंतरे अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखना है और ये अपना आज का गृह कार्य। एक बार वापस सुनना और देखना, आप भी इसको बोलना, घर पे अभ्यास करना और कॉपी में लिखना। राम है लिखती अ आ ई ई। कृष्ण है लिखती उ ऊ री री। बाला लिखती ए ओ ऐ औ। अंग है लिखती गोपीनाथ है। दूसरा अंतरा, का त्वं बाले कांचन माला कश्यः पुत्री कनकलतायः हस्ते किं ते तालिपत्रम् का वा रेखा क ख ग ग। कस्त्वं बाल मोहन कृष्ण है कश्यः पुत्र हेमलतायः हस्ते किं तत् लेखन फलकम् किं तल्लिखितम् च छ ज ज। ये अपना कॉपी में करना है, ये आज अपना गृह कार्य। धन्यवाद।